स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि CUET का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, वो आपको किस तरीके से करना है डाउनलोड, वो मैं आपको सारा प्रोसीजर बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि CUET की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो सर्वर बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, तो कभी कभी कोई और दूसरी ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है, हमें रीडायरेक्ट कर देता है किसी दूसरी वेबसाइट पे CUET के नाम से। सो उसके लिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है और आपको ट्राई करना करते रहना है, तो वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, NTA आपको सर्च करना है। जैसे ही आप NTA सर्च करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे NTA की क्लिक करना है। यहाँ से जो ऑफिशियल नोटिस आया है 11 जुलाई को, वो हमें यहाँ पे चेक करना है। फर्स्ट ही नोटिस यहाँ पे हमारा CUET के लिए है कि इसमें हमें जो एग्जाम सेंटर्स हैं, सिटीज हैं, वो अलॉट कर दी गई है, वो हमारे एडमिट कार्ड में ही आपको देखने को मिलेगी। तो ये देखिए, ये है ऑफिशियल नोटिस जो कि NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिक हुआ है। यहाँ पे हमें आना है और हमें यहाँ पे CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए बोल रहा है। यहाँ से हमें क्लिक कर लेना और यहाँ पे जाना है हम CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अगर आपने लॉग इन नहीं किया हुआ है, साइन इन नहीं किया हुआ है, तो आपको ऐसे कुछ भी शो नहीं करेगा। सबसे पहले आपको साइन इन करना है, अगर आपका साइन आउट हो गया है लैपटॉप या फिर मोबाइल से। अब यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, अगर आपने साइन इन पहले से करके रखा है तो आप जनरली यहाँ पे कर लेंगे क्लिक। तो मैं साइन इन करके ही आपको दिखा देती हूँ। आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, फिर यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है और आपको यहाँ पे कर लेना है इसके लिए लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, डाउनलोड प्रिंट कंफर्मेशन पेज, अगर आपको कंफर्मेशन पेज का प्रिंट लेना है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको देखना है कि आपको एग्जाम सेंटर कौन सा अलॉट हुआ है, किस सिटी में हुआ है, तो आप कर लेंगे जनरली यहाँ पे क्लिक और आपके सामने आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपके सामने आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें जनरली सारी चीजें आपको दी हुई है कि आपका जो एग्जाम होना है वो कौन कौन सा होना है। तो आपने जो स्लॉट 1 था उसमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है, जिसका टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है 9 सुबह 9 बजे से 12:15 तक आपका टाइम दिया गया है। सुबह के टाइम जो स्लॉट 1 में आपने सेलेक्ट किए होंगे, जो किसी ने सब्जेक्ट अगर सिलेक्ट किए होंगे स्लॉट 1 के लिए, तो उसका एग्जाम इस टाइम होना है। बात कर लेते हैं जिन्होंने सिर्फ स्लॉट 2 सिलेक्ट किया था, उनका एग्जाम शाम को 3 बजे से 6:45 तक उनका एग्जाम होना है। यहाँ पे देखिए, ये एक स्टूडेंट है, इसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं जो कि इसकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से होंगे, वही इसने सिलेक्ट किए। अगर मैं सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो अमेठी में इसे मिला है, उत्तर प्रदेश का ये है स्टूडेंट हमारा। साथ ही साथ बात कर लेते डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो बेटा बी फार्म वालों के लिए जिन्होंने डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे स्लॉट 2 के लिए, उनका एग्जाम होने वाला है 8 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। बी फार्म के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपका एग्जाम किस किस डेट को होने वाला है, किस सिटी के किस मेंबर को या फिर किस स्टेट के किस मेंबर को कौन कौन सी डेट्स अलॉट की गई हैं, तो प्लीज आपको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आप इस तरीके से अपना जो ये एडमिट कार्ड है डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, एग्जाम में अभी आपके पास 1 महीना है, तो उसके लिए हमारी एप्लीकेशन पे डेली बेसिस पे लाइव क्लास चल रही है, तो जाके आप जरूर अटेंड करें क्योंकि वहां पे आपको सुबह और शाम लाइव क्लास करवाई जा रही है। साथ ही साथ कुछ गाइडेंस भी CUET के रिगार्डिंग वहां पे प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप एक बार जाके जरूर विजिट करें। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो दिए हुए नंबर से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।